है इसको पोलराइजिंग पावर में, पोलराइजिंग पावर में कह लो या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर कह लो, ये एक ही बात है, पोलराइजिंग पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर एक ही बात है। अरेंज करना तुम्हें, पोलराइजिंग पावर में है CuCl2, SnCl2 और एक लेंगे MgCl2। CuCl2, SnCl2, MgCl2, पोलराइजिंग पावर का आंसर क्या आएगा? एक ये कर लो और एक और ले लो, ये तो ZnCl2, CdCl2, HgCl2, Mg तो ले लिया, CaCl2 ले लेते, CaCl2। इन दोनों को अरेंज करना है पोलराइजिंग पावर में, एक ये ले लो, चलो इसको करो पहले अरेंज करो। Al2O3, AlCl3, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नया लेंगे फजानसूल के अंदर। सर हो गए, किसे कर लिया है? देखो आंसर, पहला CuCl2, SnCl2, HgCl2, MgCl2, तो ये है पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वाले अच्छे मेटल, फिर पी ब्लॉक वाले को इसमें मेटल अच्छा मानेंगे, तो पहले आएगा पोलराइजिंग पावर अगर बोलना है या कोवेलेंट कैरेक्टर बोलना है, CuCl2, SnCl2 और MgCl2, ये आएगा, सही है। और जिंक कैड में मरकरी वाले में तुम लोगों ZnCl2 सबसे को
बोला इसका आंसर सेकंड वाले का। सर इसमें जेड एन सी एल टू सी डी सी एल टू एच सी एल टू सेम होंगे। सेम नहीं होंगे ज्यादा ना, 3D से 5D की तरफ स्पेशली जेड इफेक्टिव बढ़ता है, सही ना? तो कोलन रेक्टर ज्यादा किसका होगा? HgCl2 का ज्यादा होगा ना। यस और CaCl2 तो आयनिक है ही, CaCl2 का पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी। ये कोलन रेक्टर बताया मैंने, ध्यान ना नोट कर लेना जो क्या बता रहा हूँ मैं। कोलन रेक्टर है इधर, इधर भी कोलन रेक्टर है, Al2O3 AlCl3, Al2O3 AlCl3 किसका होगा? अभी ये है ना, इसमें ज्यादा डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो। Al2O3 में Al और O में डिफरेंस कितना होगा? ज्यादा होगा क्योंकि ये 3.5 है और Cl कितना है? 3 है, तो आयनिक कौन सा ज्यादा हुआ? Al2O3। आयनिक लिखा है मैंने, आयनिक करेक्टर। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? यस जैसे इसी में एक और निकाल दो, इसको ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लो AlF3, Al2O3 और AlN ले लो। AlF3, Al2O3, AlN, इसको कर दो आयनिक करेक्टर में या कोलन करेक्टर किसी में भी कर दो। यही ऑर्डर है सबसे ज्यादा किसका एल एफ होगा? थ्री सबसे सबसे ज्यादा किसका होगा? आयनिक करेक्टर। हाँ, AlF3 फिर Al2O3 फिर AlN। क्लियर है कि नहीं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक कर लो सिर्फ। यहाँ पे F है 4 वैल्यू, O है 3.5 वैल्यू, N है 3 वैल्यू। क्या समझ आ गया पोलराइजिंग पावर? क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस सर नेक्स्ट रूट करना आगे। नेक्स्ट ले लेते हैं पोलराइजिंग पावर के अंदर ही। पहले चलो मेल्टिंग पॉइंट छोटा है थोड़ा वो ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ठीक नेक्स्ट ले रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जितने भी होते हैं ना सबका लेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, मेटल प्लस नॉन मेटल लेने, कंपाउंड का, समझे कि नहीं? इस टाइप के जितने भी हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। तो एक पहले जनरल दे दिया, जैसे मैंने एक जनरल दे रहा हूं मैं, इसको अरेंज करना है मेल्टिंग पॉइंट में। सपोज दिया मैंने, इसके अंदर ले लेते हैं पहले NaCl, नेक्स्ट ले लेते हैं SiC, H2O ले लिया, और ले लेते हैं चलो CO2, CO2 इनको, और ये जनरल ले लिया ट्रेंड। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है।
कर लिया क्या? बोल चित्रांश। सर इसमें पहले SIC आएगा, फिर बिल्कुल सही है। NSDL, आगे फिर? हाँ NaCl, फिर H2O, फिर CO2। हाँ रीजन दे दे एक बार चित्राक्ष। सर इसमें SIC में तो लैटिस एनर्जी देगा था। लैटिस बनेगा ना पूरा इसका लैटिस। देखो यस मेल्टिंग पॉइंट, ये सबको पता ना ये लाइन, तो इसमें तो सोचना ही नहीं कुछ भी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोलन कंपाउंड्स, ये लाइन सबको पता कि नहीं? एक्सेप्ट फॉर बिग नेटवर्क्स, जायंट मॉलिक्यूल्स। एक्सेप्ट फॉर जायंट मॉलिक्यूल। जायंट मॉलिक्यूल कैसे? जायंट मॉलिक्यूल कौन से हैं? जैसे नोट कर लेना एक बार, ये पहले भी बताया हूँ, सॉलिड स्टेट के अंदर डायमंड जो कॉमनली यूज होते हैं बता रहा हूं मैं। डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका हो गया, बोरेजोन हो गया, बोरेजोन, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डायमंड कह लो या ग्रेफाइट कह लो, सेम फॉर्मूला होता है दोनों का। कार्बोरंडम हो गया जो मैंने तुम्हें दिया है, कार्बोरंडम हो गया, कोरंडम हो गया, RUN DUM है, RUN DUM, कार्बोरंडम, कोरंडम, Al2O3, कोरंडम है Al2O3। फिर इसके अलावा एक आता है नॉर्बाइड, B4C, नॉर्बाइड कहते हैं इसको, सही है नॉर्बाइड। तो ये तुम्हें करना है इसके अंदर, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, सही ना? हार्ड सब्सटेंस है काफी, और नॉर्बाइड तो और आर्टिफिशियल वाला सब्सटेंस है, सही ना? आर्टिफिशियल सब्सटेंस है ये, हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस नॉर्बाइट, हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस। और इसमें ऑर्डर अगर मैं बात करूँ ना, इसमें एक कॉमन अगर ऑर्डर याद करना हो तुम्हें तो इसको याद रख लो, डायमंड का सबसे ज्यादा, डायमंड के बाद नॉर्बाइट का, B4C का, सिलिकन का, Al2O3 का। याद करने का तरीका बहुत सिंपल, डायमंड में कार्बन है, कार्बन का साइज छोटा बोरोन से, कार्बन का साइज, कार्बन बोरोन का दोनों का साइज छोटा है ना, तो इसलिए सिलिकन और Al वाले से ज्यादा होंगे दोनों, और सिलिकन का साइज छोटा है Al से। क्या बात समझ आई चित्राक्ष? क्या बोला मैंने, पता लगा क्या? गैस कार्बन के नीचे सिलिकन, और कार्बन के सिलिकन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, इधर लिखना 13 ग्रुप में, इसको साइज मैनेज कर लो, हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं? गैस तो इससे कर सकते हो तुम, सही है? और ये तुम्हें बताया कि SiC स्पेशल केस है, नोट कर लेना इसमें, कि इसमें सिलिकन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 होती है, हर एक सिलिकन चार कार्बन से, हर एक कार्बन चार सिलिकन से जुड़ा हुआ। क्लियर है कि नहीं है? यस sp3। तो ये तुम ध्यान रख लेना जो मैंने बताया, ये तो मैंने अभी कॉमन लिया है। अब जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसका रूल, देखो अगर तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट किसी का भी देखना है, मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का देखना है तो तुम क्या क्या देखोगे उसके अंदर? उसके अंदर अगर मान लो कंपाउंड है नॉन मेटल मेटल का, कंपाउंड नॉन मेटल मेटल को मिला करके है, तो तुम लैटिस एनर्जी चेक करोगे कि नहीं? लैटिस एनर्जी देखेंगे ना, जैसे NaCl को तुम देख रहे हो अगर, तो Na+Cl-, इसके लैटिस को अलग करना, इसके लैटिस को ब्रेक करना, यही तो है मेल्टिंग पॉइंट। लैटिस को ब्रेक करना, लैटिस को अलग अलग करना, Na+ को अलग करना, Cl- को अलग करना, उसके लिए जो हीट चाहिए वो लैटिस एनर्जी, है ना? तो अगर मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, जैसे ये मेटल प्लस ये मेटल, ये नॉन मेटल, अगर इसका कंपाउंड है, पहले हमें पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, पहला केस है, इसको फर्स्ट केस मान लेना, फर्स्ट केस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए ना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी ही देखनी है हमेशा, दो केस देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल देखो। अगर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर अल्कली मेटल है एक्सेप्ट लिथियम, Na+, K+, Rb+, Cs+, ये है, या फिर अगर एनायन है तो H-
बस कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वही अरेंज कर लो। एच माइनस साइज में अरेंज करना है तो फिर साइज में भी कर सकते हो। एच माइनस कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन माइनस कार्बन 4 माइनस होगा, नाइट्रोजन 3 माइनस होगा, ऑक्सीजन 2 माइनस होगा और फ्लोरीन माइनस। अगर ये वाले एनायन आ गए या ये वाले कैटायन आ गए, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तुम्हें पता है लैटिस एनर्जी, एनए आएगा तो ज्यादा होगी, सीएस आएगा तो कम होगी। ये अब इसमें भी एफ माइनस आया तो लैटिस एनर्जी ज्यादा कि इसमें किसमें होगी ज्यादा लैटिस एनर्जी, इसमें लैटिस एनर्जी देखनी है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज देखना है इसके अंदर। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं जो मैंने बोला है? यस मेल्टिंग पॉइंट के लिए लैटिस एनर्जी कब चेक करेंगे मेटल नॉन मेटल के लिए? जब ये वाला कटायन हो या ये वाला एनायन हो तो लैटिस एनर्जी चेक करनी है, भूलना नहीं इसको। और बाकी केसेस में ना मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेक करना, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक तरह से कोवेलेंट करेक्टर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल पावर। क्या क्लियर है ये? कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा कंपाउंड का तो लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी कह रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट कम, सीधा कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा तो लैटिस कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या ये रूल समझ आ गया इसका जो मैंने बोला अभी? क्या यस ये रूल समझ आ? तो इसमें जैसे मैंने तुम्हें इसके क्वेश्चन दिया, मैंने तुम्हें बोला से एक अरेंज करेंगे CaF2, एक पहले अरेंज कर लो CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, इसको अरेंज करना है लैटिस एनर्जी में, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है इसको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका आंसर ये बता दो डायरेक्ट। ये तो CF2 का ज्यादा होगा मेल्टिंग का। CF2 ज्यादा, फिर CaCl2, फिर CaBr2, फिर CaI2। क्या देखेंगे इसके अंदर? लैटिस एनर्जी साइज एफ ऑफ माइनस सर, सी, इसमें क्या देखा तुमने? लैटिस इसमें एनर्जी से कोवेलेंट किया कि करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर से? इसको लैटिस एनर्जी से करेंगे कोवेलेंट करेक्टर से? हालांकि तुम इसको किसी से भी कर लो, लेकिन क्या चारों कटायन या चारों एनायन आ गए इस ये वाले जो मैंने बताए थे तुम्हें? नहीं आए ना, तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा किसका? CaI2 का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सबसे कम? ये आंसर समझ आया कि नहीं है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, यस सर, यस सर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये, चाहे तुम लैटिस एनर्जी करो चाहे कोवेलेंट करेक्टर से, रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट करेक्टर को फॉलो करना है इसमें, रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट करेक्टर को फॉलो करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये अगर जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, ये बताओ उसमें क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट का आंसर? कर लिया चित्राक्ष? क्या यस सर, PCl2 का होगा आंसर? मेल्टिंग। हाँ, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट BeCl2 का, MgCl2 का, CaCl2 का, SrCl2 का। इसमें क्या देखा? लैटिस एनर्जी देखा है, कोवेलेंट करेक्टर देखा है? हाँ, कोवेलेंट करेक्टर। क्योंकि इसमें कोई भी इससे रिलेटेड नहीं आ रहे। चारों अगर आ गए कटायन या चारों आ गए एनायन तो ये देखना, अदरवाइज हमेशा देखना कोवेलेंट करेक्टर, मतलब कोवेलेंट करेक्टर ही देखना तुम्हें हमेशा, एक तरह से कहने का मतलब ये है।
इसमें चारों अगर आएंगे कंपाउंड के साथ तो ही देखना वो। तो इसमें कोलिन सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है कोलिन करेक्टर, इसमें उल्टा, ये कोलिन करेक्टर लिखा है मैंने, सॉरी ये तो वो देखना ना मेल्टिंग पॉइंट, तो ये उल्टा होगा, मेल्टिंग पॉइंट देखना है इसके अंदर, सही ना, मेल्टिंग पॉइंट का आंसर ये आएगा। ये क्लियर है कि नहीं, आयुष है क्लास में, यस सर, आयुष समझ आ रहे हैं ना सारे। यस सर, नेक्स्ट, अब दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जल्दी से करो। NaF, MgF2, AlF3, और नेक्स्ट ले लेंगे NaCl, MgCl2, AlCl3, नेक्स्ट है NaF, MgO, MgO फिर ले लेते हैं, चलो SCN, SCN TIC, TIC ले लिया। आप ले लो तुम NaCl, NaCl, CuCl, और एक ले लेते हैं CuCl2 यहीं पे, CuCl2, CuCl2 ले लिया। तो चलो इसको ट्राई करो, SNCl2, SNCl4, SNCl2, SNCl4, AlF3, AlCl3, करो 2 मिनट लगा के टाइम ट्राई करो उसको।
हाँ कर लिया। अच्छा कर लिया कि यस नहीं? हाँ बताना इसमें। एन ए का सबसे ज्यादा, फिर एम जी, एफ टू, फिर एल एक्टिन। एक मिनट बस। हाँ तो तुमने एनएफ का सबसे ज्यादा, फिर एमजीएफ टू, फिर एलएफ3। क्या चीज देखी है इसमें? कोलन रिएक्टर की लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी तो हाँ क्यों देखा लैटिस एनर्जी? कोलन रिएक्टर क्यों नहीं देखा? आइंस एन ए प्लस के प्लस है ना। जो एनआईएन देखना, एनआईएन एनआईएन बॉक्स वाले है ना, जो मैंने बताया था पीछे, एनआईएन था उसमें कि नहीं? एफ यस तीनों में, तो एफ तीनों में है ना, इसीलिए एफ तीनों में है कि नहीं? ये हो, ये रहा एफ है ना, यहाँ पे आ गया ये। जब ये एफ आ रहा है इधर, तो तुम्हें क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा, सही ना? तो इसके आंसर ही आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ किसका है ये लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा? चित्राक्ष। एलएफ3 के हाँ क्लियर है कि नहीं है? अब एनएसीएल, एमजीसीएल टू, एलसीएल3 में चित्राक्ष बोलो। सर, इसमें हम कोवलेंट करेक्टर देखेंगे। अब इसमें कुछ तेरे को दिख रहा है क्या उसमें से? ये वाले जो मैंने लिखे हैं या ये वाले लिखे हैं, इसमें से कुछ दिख रहा है क्या? तीनों आ रहे हो कंपाउंड के अंदर। सिर्फ एन ए प्लस देखो। नहीं तो फिर नहीं कहेगा, तीनों में दिखना चाहिए, तीनों में। समझा कि नहीं? अब क्या यस देखेगा? अब क्या देखेगा इसमें? कोवलेंट करेक्टर तो आंसर क्या आएगा? एनएसीएल आएगा सबसे ज्यादा। समझ आया कि नहीं है? यस देख अगर मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट में ये तुम्हें नहीं याद करना, तो इसके बिना भी क्वेश्चन हो सकता है। अब जैसे ये तीनों तो आए नहीं क्या ना, ये तीनों आए नहीं क्या कि नहीं? एन एफ, एम जी एफ टू, एल एफ थ्री, एफ के साथ तो आए नहीं होते हैं ना सर? आए नहीं क्या कि नहीं? तो लैटिस एनर्जी देख लेगा सीधा, लैटिस एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा। अब इसमें तो एनएसीएल तो है ही आयनिक ना, नहीं तो तुम अभी रूल फॉलो कर लो। ये समझ गया चित्राक्ष? नहीं आयुष, प्रेश, यस सर, ये कैसे सही है बता चित्राक्ष? रूल से सही है कि वैसे अलग से करना पड़ेगा? कि आयनिक है तो लैटिस एनर्जी देखो, कोवेलेंट है तो फिर तो इनवर्सिटी क्वेश्चन टू। देख दोनों में आंसर उल्टा हुआ है इसमें, इन दोनों में आंसर उल्टा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? नवयांश है क्लास में क्या? यस सर हूँ। अच्छा सही है, नवयांश समझ आ रहा है ना सारा जो बोलता रहा हूँ मैं? यस सर, एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी दोबारा, थोड़ा सा कम समझ में आया, बट कर नहीं, लूंगा। तो बॉक्स, बट ये बॉक्स वाले कटायन देख, बॉक्स वाले एनायन देख, उससे ही पता लग जाएगा सब कुछ। अगर एनायन तीनों तीनों में है क्या? देख ऊपर वाले केस देखेगा, तीनों में एफ माइनस है ना, एफ माइनस इसमें आ गया, ये रहा एक, तो उसमें सिर्फ लैटिस एनर्जी चेक कर। लैटिस एनर्जी चार ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और नीचे कोई भी नहीं आया बॉक्स के अंदर वाला जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए तो उसमें कोलन रिएक्टर दे। कोलन रिएक्टर ज्यादा किसका होता है? एलसीएल3 का। एनए का तो फिर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आसानी से होगा, तो ये आयनिक, आयनिक का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। थोड़ा देखना तो इजी है ये चीजें। नेक्स्ट एनएफ, एमजीओ, एससीएन, टीआईसी, क्या देखेंगे इसके अंदर पता? लैटिस नवयांश क्या एनर्जी देखेंगे? हाँ क्यों देखेंगे लैटिस एनर्जी? क्योंकि बॉक्स में क्यों नहीं है देखेंगे बहुत लैटिस सारे। एनर्जी? क्योंकि इसमें क्या है देखो, बोलो क्यों देखेंगे चित्राक्ष? आयनिक करेक्टर है क्योंकि यहाँ पे ये आ गया ना, C4- है कि नहीं था? देख C4-, N3-, O2- आ रहे हैं कि नहीं सब? ये F-, ये चारों आ गए कि नहीं? तो यस क्या देखेंगे लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी देखेंगे तो चार सबसे ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, ये आंसर आ गया कि नहीं? आया सब कि नहीं? यस नेक्स्ट वाले में कोलन करेक्टर, नेक्स्ट वाले में कोलन करेक्टर, क्लियर है कि नहीं? लैटिस एनर्जी नहीं देखेंगे उससे। नेक्स्ट में एसेंशियल टू, एसेंशियल 4, एसेंशियल टू किया तो ये तो मैंने बताया था। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर याद आया कुछ इसका कि नहीं? कल ब्रिज बॉन्डिंग में यस सर। एएलएफ3 है, एएलसीएल3।
AlF3 का हाँ इसमें तो AlF3 आयनिक है, सबसे AlF3 आयनिक है, सीधा देख लेंगे AlF3 आयनिक है, दोनों सेम है ना, तो AlF3 आयनिक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में जरूर आता है, इसमें मेंस में तो काफी बार पूछा हुआ है, मेंस में काफी बार पूछा हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा तुम्हें, उसको नेक्स्ट टाइम लूंगा मैं। फिर भी क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, LICL, NaCl, KCl, RBCl, CHCl अरेंज करना है मेल्टिंग पॉइंट में, सही ना, इसको मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज कर लेना, LICL, NaCl, KCl, RBCl, CHCl मेल्टिंग पॉइंट में। और एक उसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा भी, अगर याद हो तुम्हें तो, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एस ब्लॉक में कराया हुआ है वो भी, BeF2, MgF2, CaF2, SrF2, BeF2। आंसर नेक्स्ट टाइम दूंगा, ये जरूर कर लेना दोनों, दो ये जरूर कर लेना, एक तो LICL, NaCl, KCl, RBCl, मीन्स में पूछा हुआ है, BeF2, MgF2, CaF2, SrF2, BeF2, ये दो क्वेश्चन ये कर लेना, दो क्वेश्चन ये। रूल जो बताया उसको फॉलो करना, उससे हो जाएगा क्वेश्चन, रूल को फॉलो करना बस।